सही दिख रहा हूँ। एक तो यार ट्राइपॉड मेरा जिम में छूट गया, इस वजह से मुझे वहां पे रखना पड़ा एकदम अजीब समय। पता नहीं कैसे मैंने सेट किया है, और मैंने भी देखा कि आवाज बहुत गूंज रही थी ना, इस वजह से मैंने माइक कनेक्ट किया, क्योंकि डायरेक्ट उससे आवाज बड़ी खराब सी आ रही थी। तो भाई हाँ जी गैस, मॉर्निंग, कैसे हो सारे लोग? दिस इज आरो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। काफी अजीब सा इंट्रो हो रहा है, सुबह सुबह सो के उठाऊँ, पहली बार मैं इतना सो के वीडियो जस्ट बना रहा हूँ। सो भाई आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपनी प्री वर्कआउट मील, कि मैं जिम जाने से पहले क्या खाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ कि भाई मैं हॉस्टल में रहता हूँ, ये मेरा हॉस्टल का रूम है, रूम नहीं दिखाऊंगा मैं, नहीं तो काफी सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि भाई कितनी गंदगी से रहता है, लोंडे तो ऐसे ही रहते ही भाई। मेरा बताने का मेन रीजन ये है कि मैं हॉस्टल में रह के जब ये सारी चीजें एडजस्ट कर सकता हूँ, एक अच्छी डाइट ले सकता हूँ, एक अच्छी डाइट ले रहा हूँ प्रॉपर, और फिजिक्स जब मैं मेंटेन कर सकता हूँ, तो भाई अगर आप घर में रहते हो या आप भी कहीं रहते हो तो आप भी कर सकते हो। मेरा मेन बताने का मोटिव आपको ये है। तो चलो भाई मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने अभी खा लिए हैं, हम जब वर्कआउट करते हैं तो मैं वर्कआउट के पहले चाहिए होता है अच्छे अमाउंट में बॉडी में कार्ब्स, जिसमें हम वर्कआउट अच्छा परफॉर्म कर पाए और अच्छा एनर्जी भी रहे, अच्छी पंप भी आए। तो मैं भाई ये जो मेरा प्री वर्कआउट मील है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज से नहीं भाई, मैं कम से कम शायद पिछले 2 साल से मैं वर्कआउट अपनी मतलब यही ट्राई कर रहा हूँ। तो ये है क्या बहुत बजट फ्रेंडली कि आप भी कर लोगे? पहले मैं खाता हूँ चार चार या पांच, कभी डिपेंड करता है मेरे ऊपर, जिस दिन मेरा जैसा मन हुआ। तो सबसे पहले 5 मैं एग वाइट खाता हूँ, बॉयल एग्स, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद, जब मुझे बिल्कुल जिम के लिए यहाँ से निकलना होता है, मतलब वर्कआउट के अपने अप्रॉक्स 35 मिनट पहले, तब भाई मैं ये लेता हूँ। ये है राइस, सिर्फ ऐसे ही राइस, मतलब इसमें कुछ मैंने नहीं डाला, किसी के साथ नहीं डाला, मैं ऐसे सूखे खाता हूँ। अब इसकी तीन अल्टरनेटिव हैं, या तो मैं देखो वो तो मेरी फिक्स है अंडे वाली, मतलब राइस के तीन अल्टरनेटिव हैं। इसमें क्या क्या है, या तो मैं कभी राइस खाता हूँ, या तो मैं स्वीट पोटैटो खाता हूँ, या तो नॉर्मल पोटैटो खाता हूँ, बस ये तीन है। मैं मतलब मेरे से कोई भी बंदा पूछने आता है, या मेरे जो एक दो क्लाइंट्स हैं जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ भाई, उनकी भी प्री वर्कआउट में मैं यही लिखता हूँ हमेशा, या तो स्वीट पोटैटो या तो राइस, तीन चीजें। और ये मैं खाता रहता हूँ, मतलब जैसे आज मैंने राइस खा लिए, मैंने मतलब आज बनाया नहीं, मेरा मन नहीं था, जैसे जिस दिन मैं जस्ट उठा और मेरी मेस में जो खाना आता है ऊपर, वहाँ से मैं जाके राइस ले आया, वो खा लिया। तो ये मैंने वहाँ से मैं ऊपर से राइस लाया हूँ, और फिर नहीं तो मैं मेरे पास थोड़ा मतलब सिस्टम है, मैं या तो मैं एग क्या बोल रहा हूँ, हाँ एग भी बॉयल करता हूँ, और स्वीट पोटैटो जैसा मैंने बताया तीन या चार, और पोटैटो खाता हूँ तो वो भी तीन या चार, वो बॉयल करके खाता हूँ। अगर किसी दिन मेरा कुछ भी मतलब खाने का मन नहीं है, बहुत लेट हो गया, तो मैं भाई जस्ट जाके जिम के बाहर कहीं भी दो तीन केले खा लेता हूँ, बनाना, वो भी आप खा सकते हो। लेकिन ये तीन भाई, और जो मुझे सबसे ज्यादा, मैं पर्सनल अपना बताऊँ ना, कि मुझे जिसमें सबसे ज्यादा एकदम खतरनाक एनर्जी आई भाई, वो ये है, जब भी मुझे लेग करना होता है ना, लेग वाले दिन, लेग डे वाले दिन मैं राइस जरूर खाता हूँ। जैसे कल मेरा था लेग डे, और उसके पहले मैं 3-4 दिन से जिम नहीं गया, इसी वजह से मेरी बॉडी भी थोड़ी वैसी वैसी लग रही होगी। एक तो लोअर बॉडी करी, अपर बॉडी करी नहीं, चेस्ट तो मुझे लगता है मेरा काफी टाइम हो गया नहीं करी। सो ये जस्ट मैं फिनिश करके आपको मिलता हूँ जिम में। ये थी मेरी प्री वर्कआउट मील, समझ गए होगे? पहले 3-4 एग्स खाने, एग्स के थोड़ी देर बाद या तो स्वीट पोटैटो या तो राइस। राइस सबसे बेस्ट है भाई, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है भाई, लेग डे वाले दिन होता नहीं कि थोड़ा एकदम चक्कर से आने लगते हैं, अंधेरा अंधेरा से दिखने लगता है भाई, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं होगा, एकदम अच्छा वेट जाएगा, स्मूथ जाएगा। अगर उसके पहले कहीं आपने थोड़ा प्री वर्कआउट लेते हो और कॉफी वगैरह, मैं प्री वर्कआउट तो नहीं बोलूंगा, आपकी प्री वर्कआउट लो, 1600-1700 रुपये फंसाने कोई मतलब नहीं, कॉफी भी अगर खाते हो उसके बाद तो भाई बस अलग ही लेवल का है। तो चलो मैं आपसे अब सीधे मिलता हूँ ये फिनिश करके, थोड़ा और अच्छे से एकदम तैयार है यार होके, अभी तो मेरी आंखों में भी नींद लग रही है, आपको लग रही होगी। सीधे मिलता हूँ आपको जिम में, ओके। अब आ चुके हैं अपन जिम में, और आज भाई मेरा बैक का वर्कआउट है, बैक और ट्राइसेप। ट्राइसेप और बाइसेप मैं कभी सेपरेट दिन नहीं करता, जैसा मैंने बताया कि मैं किसी दिन सिर्फ बाइसेप और ट्राइसेप करूँ, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, कभी बैक के साथ ट्राइसेप कर लिया, कभी शोल्डर के साथ बाइसेप कर लिया, एंड देन जैसे आज ट्यूजडे है, आज मैं कर रहा हूँ ट्राइसेप, अब सैटरडे को मैं फिर ट्राइसेप रिपीट मार लूंगा।
सो मैं यही करता हूँ। यार मेरे बाल कैसे लग रहे हैं ना, ये तो मैंने हमेशा टोपा लगा के रखता था ना मैं, या तो कैप लगा के रखता था, आज मैंने कुछ लगाया ना, मेरे बाल मेरे छोटे बड़ा अजीब सा लग रहा है। सो चलो स्टार्ट करते हैं बैक का वर्कआउट। पूरा वर्कआउट नहीं दिखाऊंगा, दो तीन एक्सरसाइज दिखाऊंगा, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, अगर पोस्ट वर्कआउट मिल वर्कआउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं गाइस, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लेट पुल डाउन से। इसका कौन सा सेट है, शायद तीसरा है, ठीक है। ग्रेट तो नहीं, यहाँ पे आवाज़ आ रही, वेट लगा है 75। आ जाओ करते हैं। Okay guys, लास्ट सेट है मेरा, देख रहा हूँ ना। ओके, वेट अपन लगाएंगे 90 के जी अब। चलो देखते हैं, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कर लो, कम से कम 6 रेप्स तो मारनी है भाई। अब कर रहा हूँ नेक्स्ट, इसके बाद मैंने एक कर ली, थर्ड वन है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई पूरा वर्कआउट नहीं दिखाऊंगा मैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मेन मेन एक्सरसाइज दिखाऊंगा। ये मेरी काफ़ी फेवरेट एक्सरसाइज है, इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे कर लेता हूँ, मुझे ना एक रील बनानी है इंस्टाग्राम के लिए, उसमें क्या करना है मुझे बस खड़े होके ऐसे बोलना है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ बस खड़े होके। अगर आपको रील देखनी है क्या कंटेंट बनाया था तो भाई मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, यूजर नेम एस्थेटिक कारो, थोड़ा देर और कुछ भी बोल देता हूँ मैं। ओके गाइस, लास्ट बैक की ये कर रहा हूँ मैं, साइड डंबल के एक वेरिएशन है, और इसको आज मैं खड़ा होके कर रहा हूँ, मैं हमेशा बैठ के करता हूँ। ओके गाइस, अपना बैक का वर्कआउट हो गया ख़त्म। अब इसके बाद मैं करूँगा ट्राइसेप, लेकिन वो आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा भाई बड़ी हो जाएगी, और बड़ी वीडियो मैं बनाता नहीं क्या, पहले बनाता था, मैंने काफ़ी बना के देखी, आप चैनल पे ये देख लो, काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं, मैंने डेली सीरीज भी चलाई थी, पर इतना अभी लोगों को पता ही नहीं भाई मैं कौन हूँ, तो मेरी इतनी बड़ी बड़ी 15-15 मिनट की वीडियो क्यों देखेंगे। सो इस वजह से मैंने वीडियो की ड्यूरेशन कम कर दी है, 10 मिनट के अंदर रखता हूँ मैं। सो अभी मैं ट्राइसेप करूँगा, ये था भाई वर्कआउट। एक तो यार मैं बड़ा अजीब सा लग रहा हूँ यार, मुझे खुद अजीब सा लग रहा है ना, तो मैं कैप लगा रहा हूँ, और एक वो टोपा लगाता था सर्दियों का विंटर्स वाला, वो भी मैं अब नहीं लगा रहा, क्योंकि अब विंटर्स ख़त्म हो गई हैं, ठीक ठाक मतलब स्वेट होने लगा है, अभी मैंने
जबकि इन्होंने आज बहुत रेस्ट रेट लेके किया है, 3-3, 4-4 मिनट का एक्सरसाइज के बाद रेस्ट लिया है, तब भी अभी हो गया शॉर्ट। मैंने उतना इंटेंस अभी मैं पुश नहीं कर रहा खुद को, सो इस वजह से मैं विंटर वाली कैप भी नहीं लगा रहा हूँ। और ये मेरे बाल उतने छोटे पता नहीं बड़े कब होंगे यार। सो चलो भाई ये थी वीडियो, लाइक सपोर्ट प्यार सब दिखाओ यार, थोड़ा वीडियो में मेरे थोड़ा और मन लगे। अभी मैं सोच रहा हूँ जब क्रिएटिन स्टार्ट करूँगा ना, तब मैं सोच रहा हूँ एक दो दिन में मेरा क्रिएटिन आने वाला है, तब मैं थोड़ा कंटेंट अपना बदलूँगा इंस्टा पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे शॉर्ट वगैरह डालूँगा जो मैं रील्स में डालूँगा, वो यहाँ पे रील शॉर्ट डालूँगा एक एक। सो तब तक के लिए चलो, बाय बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।